Hello and a lovely good evening from here in Delhi. Of course, it's Sanjay Wilkins welcoming you from the bottom of his heart. मेरे बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन, और मैं तहे दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, उन सभी लोगों का जो इस वक्त हमारी क्लासेस को देख रहे हैं. ऑफ कोर्स यहाँ फेस टू फेस में तो स्टूडेंट्स हैं ही, उसके अलावा सैटेलाइट सेंट्रल पार्टनर्स जो इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, और आप में से वो तमाम लोग जो घरों में अपने कंप्यूटर के थ्रू हमसे इस वक्त लिंक्ड अप हैं. तो बड़ी खुशी होती है बेटा आप लोगों से इंटरेक्ट करके. यहाँ बैठे बैठे आप लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी की आजकल खूबियां हैं. तो इन तमाम चीजों के बाद अब जाहिर है कि आपके दिलो जहन में ये क्वेश्चन पहले आया होगा, सर आज हमने करना क्या है. तो बेटा आज हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमने रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक कंसिडर करना है. तो रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का जो टॉपिक है उसको आज हम लेंगे, और रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का जो टॉपिक है इसमें आज हमने क्या क्या चीजें कर दी है. रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कुछ बच्चे क्लास में यहां पर लेट पहुंचते हैं, तो हमारा उनसे नम्र और विनम्र निवेदन है कि वो इस बात को समझें कि ये क्लासेस जो है तीन सेगमेंट्स के थ्रू मूव आउट कर रही है. फेस टू फेस के अलावा ये क्लासेस सेटेलाइट पार्टनर चैनल्स पर भी जा रही है, उसके अलावा ये कंप्यूटर लिंक्ड अप कनेक्टिविटी पर भी है. तो हमारा आप लोगों से ये आग्रह है कि नेक्स्ट टाइम से आप लोग वक्त पर पहुंचे, करेक्ट. और जितने भी सैटेलाइट पार्टनर चैनल्स हैं, वहां के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन लोगों को भी हमारी तरफ से ये एडवाइस है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल बना लें कि इस पर्टिकुलर टाइम पर तमाम स्टूडेंट्स को क्लास में पहुंचाना है. बेटा ये दो तीन चीजें हमें कहनी पड़ती है, ठीक है. अब हम क्लास का आवाज करते हैं. जैसा कि मैंने कहा रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक है, इस टॉपिक को हम आज स्टार्ट करेंगे. जाहिर है कि टॉपिक सिंपल टॉपिक है, रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मुझे मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है. सब लोगों को मालूम है कि जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस भी करना होता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करना लाजमी है, और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत अगर किसी कंपनी ने कोई प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे हैं तो विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 साल के अंदर अंदर उस पैसे को लौटाना एंटिटी के लिए जरूरी है. अगर मेरी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर करके पैसा रेस करा है तो मेरी कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी है, एक बंधन है, एक मैंडेशन है, एक बाउंडेशन है, और वो कानूनी बाउंडेशन है कि मैंने विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स ये पैसा आपका आपको लौटाना है. हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 में एक राइडर भी है. राइडर का मतलब है एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन ये है कि अगर किसी कंपनी ने शेयर्स इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए इश्यू करे हैं तो उस केस में मैक्सिमम पीरियड 20 की बजाय 30 साल भी हो सकता है. नॉर्मली जब कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेगी तो 20 साल के अंदर अंदर पैसा लौटाना लाजमी है, लेकिन अगर हमारी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज को अगर इश्यू करे हुए हैं तो उस केस में विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 साल तक हम पैसा लौटा सकते हैं. अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बिकॉज हम लोगों ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, तो जहां तक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का सवाल है हमें यह देखना पड़ेगा कि जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बल्कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाती है तो तब क्या क्या अकाउंटिंग पैटर्न्स होंगे, तब हमें किस तरीके से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, बुक्स में किस तरीके से एंट्रीज करी जाएंगी, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का थीम है. जहां तक अकाउंटिंग का सवाल है, जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करती है तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 55 यहां पर आ जाएगा. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब कंपनीज एक्ट 1956 था यानी कि 1956 था, तब उसका सेक्शन 80 यानी कि 80 इससे डील करता था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 55 विल डील विद द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इज इट क्लियर टू यू? तो बेटा जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा लौटाती है तो उस वक्त हम किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे ये हमने समझना है. आओ हम पहले इसको समझने की कोशिश भी करते हैं. तो जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटाएगी तो उस वक्त क्या क्या अकाउंटिंग पैटर्न सामने आएंगे, हमने इन चीजों को समझना है. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो अब मैं जरा अपने इस टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाता हूं. करेक्ट, एक सेकंड के लिए आपको रुकना पड़ेगा, मैं जरा स्क्रीन को ठीक कर लूं. हाँ, अब स्क्रीन जो है वो ठीक है. तो
कई चीजें देखनी पड़ती हैं बेटे, अब जरा थोड़ा सा इनिशियल स्टेजेस में आपको बेयर करना पड़ेगा। कई हमें कई चीजें जैसा कि मैंने कहा हमें चेकआउट करनी पड़ती हैं कि किसी भी तरीके से जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी किसी तरीके की परेशानी ना आए। तो मैंने कहा कि जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाएगी तो उस वक्त हम किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, ये हमने देखना है, समझना है। इसके क्या क्या पहलू होंगे, क्या क्या चीजें हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखनी है, इन तमाम चीजों पर चर्चा अब हम प्रारंभ करते हैं। पहले तो हम इस चैप्टर का एक बेसिक थीम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटाएगी तो हमें किस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेट अस सी, मान लेते हैं बेटे कोई कंपनी है, करेक्ट, अभी आपने लिखना बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, अभी आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना है। जब मैं कुछ लिखने के लिए बोलूं तो तभी आपने लिखना है। हां जी, मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, करेक्ट, मान लेते हैं कि कोई कंपनी है 005 लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है बेटे। अब क्या करें, आजकल नॉर्मल नाम जो हैं दिमाग में ही नहीं आते हैं, तो मैंने 005 लिमिटेड नाम रख दिया। सर 007 रख देते तो अच्छा लगता। ओहो, अब तुम लोग यहां पर ध्यान दो, नाम से क्या लेना है। हाँ बेटे, 005 लिमिटेड, हाँ अजमेर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेटे हमने स्टार्ट करा है, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जमशेदपुर वाले बच्चों का भी शायद लिंक थोड़ा सा लेट खुला है, तो बेटे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का टॉपिक हमने आज की क्लास में स्टार्ट करा है, और बस मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैंने अभी कुछ बोला नहीं है। तुम लोगों के लिंक अब खुलने से पहले मैंने सिर्फ एक बात यह कही कि जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटाएगी तो किस तरह की अकाउंटिंग होगी, उस अकाउंटिंग पैटर्न को हम अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। या सारे सारे बच्चे यहां पर देखें ध्यान से, मान लेते हैं कि कोई कंपनी है और इस कंपनी ने, इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, इस कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स यू नजर आ रहे हैं, करेक्ट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। ये मैंने एक आइटम लिखा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, करेक्ट, इसमें अभी कुछ भी अमाउंट नहीं है। उसके अलावा इस कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मान लेते हैं कि जनरल रिजर्व में 7 लाख रुपए पड़े हुए हैं। कंपनी की एसेट साइड में मान लेते हैं कि 7 लाख रुपए का कैश मौजूद है, करेक्ट। आप ये मत देखो कि बैलेंस शीट का टोटल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बेटे मैं सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटाएगी तो बेटे क्या एंट्री होगी। चलो इस एंट्री को बताने से पहले आप लोग मुझे यह बताओ, जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटाएगी, करेक्ट, तो उस वक्त क्या एंट्री होगी। इस एंट्री को बताने से पहले आप मुझे यह बताओ, जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करती है तो तब कंपनी क्या एंट्री करती है। हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा बेटे आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट हमारी एंट्री होती है। यानी कि जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इश्यू करती है तो जैसे हम इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं तो नॉर्मली हमारी एंट्री बैंक हमारे पास आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी एंट्री होती है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। यहां तक ठीक है। अब बारी आ रही है इश्यू की नहीं रिडम्पशन की। रिडम्पशन का मतलब है वादे के मुताबिक। बेटे रिडम्पशन और रीपेमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है। रिडम्पशन का मतलब है कि आपका पहले से ही वादा है कि आपने ये पैसा वापस करना है। कुछ लम्हा पहले मैंने आपसे कहा कोई भी कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है तो विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स वो पैसा लौटाना जरूरी होता है। एट द सेम टाइम मैंने ये भी ऐड करा कि कंपनी एक्ट 2013 में एक चीज ये भी लिखी हुई है कि अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए इश्यू करे हैं तो उस केस में मैक्सिमम पीरियड 30 साल का भी हो सकता है। खैर पॉइंट ये है कि जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है तो पैसा लौटाना लाजमी है। यानी कि यहां कंपनी का कमिटमेंट है कि हम इस पैसे को लौटाएंगे। अब कंपनी जब पैसा लौटाएगी
तो जो एंट्री तुमने इश्यू के टाइम पर करी थी उसको तुम रिवर्स कर दोगे, यानी कि आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा ये एंट्री होगी या नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। जब आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करा, 5 लाख रुपए, 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, अब इस पैसे को आपने लौटा दिया। आपने देखा जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा लौटाती है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से दो इफेक्ट, कौन कौन से दो इफेक्ट इसके पड़ेंगे? हां जी बेटे फटाफट बताएं, कौन कौन से दो इफेक्ट इसके पड़ रहे हैं? बेटे एंट्री में दो चीजें लिखी है मैंने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जम्मू सेंटर ने आंसर दिया, सर एक तो हमारा कैश कम हो रहा है, बिल्कुल ठीक। बेटे आपने देखा कि एक तो आपका कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने पेमेंट करी है, और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ रहा है? सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी डिक्रीज हो रही है या खत्म हो रही है, एक ही बात है, क्योंकि किसी लायबिलिटी साइड का कोई आइटम डेबिट होता है तो इसका मतलब वो चीज कम है, और किसी एसेट साइड का कोई आइटम क्रेडिट होता है तो इसका मतलब एसेट कम हो रहा है। आपने देखा कि जब मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा लौटाया तो उसके दो इफेक्ट क्या क्या पड़े? एक तो बेटे हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो गई, और दूसरा नो डाउट कि हमारा कैश भी कम हो गया। प्रॉब्लम इससे नहीं है, कैश के कम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जब पैसा लिया है तो पैसा तो आप लौटाओगे ही, इसमें कोई डाउट थोड़ी है, पैसा तो आपको लौटाना ही पड़ेगा, इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन लायबिलिटी साइड से, क्योंकि अब मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, अब जरा ध्यान से देखें, जब मैंने ये एंट्री करी तो इस एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ा, ध्यान से देखें। एक तो आपका कैश या बैंक 5 लाख रुपए से कम हो गया, इसमें 2 लाख कैश या बैंक एक ही मान लो, तो ये 2 लाख रुपए से कम हो गया, 5 लाख से कम हो गया, अब इसमें बैलेंस 2 लाख का है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो गई तो इसका मतलब बैलेंस शीट से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो गई, योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैज बिकम 0 नाउ। यहां तक बात समझ में आई? मैंने एक चीज कही कि जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटाती है तो उसके दो इफेक्ट पड़ते हैं। एक तो बेटे हमारा कैश का बैलेंस कम हो जाता है, नंबर वन। प्रॉब्लम लेकिन उससे नहीं है, प्रॉब्लम एसेट साइड से नहीं है, प्रॉब्लम है लायबिलिटी साइड से। सर लायबिलिटी साइड से क्या प्रॉब्लम हो गई? हां बेटे गुड़गांव में बता रहा हूं, लायबिलिटी साइड से क्या प्रॉब्लम हो गई? आपने देखा जब मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट करी तो लायबिलिटी साइड की थोड़ी सी शक्ल चेंज हो गई, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो खत्म हो गई, यानी कि 0 हो गई। सर उससे क्या प्रॉब्लम आ गई? बेटे उससे प्रॉब्लम क्या आ गई इस बात को समझना है। जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो अधिकतर हम लोग कम पढ़ते हैं, उसका थोड़ा आपने ध्यान रखना है, ठीक है बेटे। लायबिलिटी साइड में हम एक टर्म यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं कैपिटल बेस। अभी आपने कुछ भी नहीं लिखना है, जब मैं बोलूंगा कोई चीज लिखने के लिए तब आप लिखेंगे, अभी आप ध्यान से सुने। पहले अभी तो हमने कोई स्टार्ट ही नहीं करा, हमने थ्योरी भी करनी है, प्रैक्टिकल भी करने है, बहुत सारे क्वेश्चन है, करीब 30-35 क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं, करेक्ट, हमने 9-10 क्वेश्चन नहीं कराने, 30-35 क्वेश्चन के करीब रखे हुए, तो ध्यान से पहले आराम से सुने। मैंने कहा लायबिलिटी साइड से जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हट गई, वाइप आउट हो गई, खत्म हो गई, तो इससे एक बड़ी परेशानी हो गई। सर ऐसी क्या परेशानी हो गई? हां बेटे परेशानी क्या हो गई, इस परेशानी को पहले तो हमें समझना है। मैंने आपको यह कहा कि लायबिलिटी साइड में हम एक टर्म यूज करते हैं कैपिटल बेस। क्या टर्म यूज करते हैं? कैपिटल बेस। बेटे याद रखना मैं कैपिटल बेस की बात कर रहा हूं, ये टर्म आपने इससे पहले नहीं पढ़ी हुई है। आपने कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा है, आपने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने कैपिटल बेस नहीं पढ़ा है। तो कैपिटल बेस क्या होती है? कैपिटल बेस के 3 हिस्से होते हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। कैपिटल बेस के अंदर 3 चीजें आती हैं, एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दूसरी इक्विटी शेयर कैपिटल, और तीसरी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बेटे चिंता मत करें, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मैं जानता हूं कि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। आप क्या अभी सिर्फ आप मेरे इस पर्टिकुलर डिस्कशन की तरफ ध्यान दें। मैंने कहा कैपिटल बेस के 3 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं,
कि यहां पर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात नहीं कर रहा, डेट्स एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैं बात कर रहा हूं कैपिटल बेस की। किसी भी कंपनी के कॉन्टेस्ट में हम एक वर्ड यूज करते हैं कैपिटल बेस, और कैपिटल बेस के ये तीन हिस्से होते हैं। यहां तक ठीक है? अब बेटे मुझे ये बताओ, इस बैलेंस शीट को जब मैंने ओरिजिनल ये बैलेंस शीट बनाई थी, यानी कि इस एंट्री को करने से पहले, इस कंपनी की कैपिटल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपनी की बैलेंस शीट को देख करके आप मुझे कैपिटल बेस बताओ, तो कंपनी का कैपिटल बेस आप मुझे कितना बताते? इस एंट्री के करने से पहले कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 5 लाख रुपए थे, हां या ना? बिल्कुल थे। इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख रुपए थे? सर बिल्कुल थे। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 0 बैलेंस था। यानी कि मैं कह सकता हूं रिडम्पशन से पहले मेरा कैपिटल बेस जो था वो कितने का था? 10 लाख रुपए का था। क्या मैं ये कह सकता हूं या नहीं कह सकता? सर बिल्कुल कह सकते। अब जरा ध्यान दें, अभी अभी मैंने कहा जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटाती है तो उसके दो इफेक्ट पड़ते हैं। एक तो हमारा कैश बैलेंस कम हो जाता है, नो डाउट कि एसेट साइड कम हो रही है, लेकिन मुझे उससे उतना फर्क नहीं है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने किसी से कोई लोन लिया है, पैसा लिया है, सामान खरीदा है, तो पेमेंट तो मुझे कर भी करनी है। प्रॉब्लम आ रही है लायबिलिटी साइड से। जब मैंने ये एंट्री करी तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैंने डेबिट कर दिया। डेबिट करने से क्या हुआ कि लायबिलिटी साइड से ये आइटम हट गया। अब इस आइटम के हटने से क्या हो गया? अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, इस आइटम के हटने से मेरे कैपिटल बेस में तब्दीली आ गई। अब बेटे मेरा कैपिटल बेस कितने का है आफ्टर रिडम्पशन, बताओ जरा? आफ्टर रिडम्पशन जो मैं पूछ रहा हूं आपने उतना ही आंसर देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना। आफ्टर रिडम्पशन जल्दी से बताओ कि आफ्टर रिडम्पशन मेरा कैपिटल बेस कितने का है? सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो अब 0 हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख है और कैपिटल रिडम्पशन में 0 है। सर अब हमारा कैपिटल बेस 5 लाख का है। ये प्रॉब्लम है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दिस इज द थीम, दिस इज द कोर एरिया, जिसको मैं कहूंगा मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया। ये सारा चैप्टर इसी चीज पे टिका हुआ है, यानी कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम देखेंगे कि जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटाएगी तो उसके दो इफेक्ट पड़ते हैं। एक तो एसेट साइड से कैश कम हो जाता है और लायबिलिटी साइड से हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हट जाती है, और यही हमारी प्रॉब्लम का मेन विषय है। लायबिलिटी साइड से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के हटने से बेटे क्या होगा? हां जी हां पठानकोट, लायबिलिटी साइड से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसलिए हट गई क्योंकि मैंने ये एंट्री में इसको डेबिट करा था। तो लायबिलिटी साइड से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के हटने से कंपनी का जो कैपिटल बेस पहले 10 लाख का था वो अब 5 लाख तक रह गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नो कंपनी कैन अफोर्ड एनी चेंजेस इन इट्स कैपिटल बेस। बेटे कोई भी कंपनी अपने कैपिटल बेस में किसी भी तरीके के बदलाव अफोर्ड नहीं कर सकती है। शायद आप अभी इस बात से ना वाकिफ हैं, यानी कि आपको यह बात मालूम नहीं है, तो अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब भी किसी कंपनी का कैपिटल बेस कम होता है तो डेट कैन ब्रिंग अबाउट हॉरेंडस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द कंपनी। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, कंपनी के लिए भयानक परिणाम लेकर के आ सकता है, कंपनी का सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। सर ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट। अब जब किसी कंपनी का कैपिटल बेस कम हो जाता है तो कैपिटल मार्केट में लोग बड़ी शक भरी निगाहों से कंपनी के अफेयर्स को देखना शुरू कर देते हैं, और यह बड़ी नेचुरल सी ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर हम किसी चीज को शक भरी निगाहों से देख रहे हैं तो इसका मतलब उस चीज की छवि हमारी आंखों में अच्छी नहीं है। दैट इटसेल्फ इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग, इजंट इट और नॉट? जब किसी कंपनी का कैपिटल बेस ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, कम, हालांकि हम बाद में देखेंगे अगर जरूरत से ज्यादा भी हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है, तो अभी फिलहाल मैं कम की बात करूंगा। अगर किसी कंपनी के कैपिटल बेस में कोई तब्दीली आती है, कोई चेंजेस आते हैं, मैंने कहा इसके भयानक परिणाम किस सेंस में हो सकते हैं, कैपिटल मार्केट में इसका एक बड़ा खराब मैसेज पहुंचता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारी कंपनी को लोन देने में कतराना शुरू कर देंगे,
पोटेंशियल इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे, और सबसे बड़ी चीज कि सप्लायर्स और रॉ मटेरियल हमारी कंपनी को क्रेडिट फैसिलिटी देने में आनाकानी करना शुरू कर देंगे। और याद रखें, अगर कैपिटल मार्केट में ये तीन सेगमेंट जो मैंने बोले, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी से खफा हो जाए, नाराज हो जाए, या किसी कंपनी को लोन देना बंद कर दे, इसी तरह पोटेंशियल इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाना छोड़ दे, और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल किसी कंपनी को क्रेडिट फैसिलिटी देना बंद कर दें, तो बेटे समझ लो कि ये पहले साइंस हैं, पहले सिम्टम्स हैं कि ये कंपनी धीरे धीरे धीरे, कहना तो नहीं चाहिए, कि अपने डेथ की तरफ बढ़ रही है। इतने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी कंपनी अपने कैपिटल बेस में किसी भी तरीके के बदलाव को अफोर्ड नहीं कर सकती। सर ये तो बहुत प्रॉब्लम है बेटा, यही तो प्रॉब्लम है। यानी कि रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के टॉपिक का मेन थीम क्या है? अब हमने चैप्टर का थीम भी तो पढ़ना है कि हमें करना क्या है इस चैप्टर में। आपने देखा कि जब मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा लौटाया, उनको कैश दिया, कैश के बाहर जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लायबिलिटी साइड में कैपिटल बेस में चेंज आ गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, सीआरआर, लायबिलिटी साइड से जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हट जाएगी तो मेरे कैपिटल बेस में ऑटोमेटिकली तब्दीली आ जाएगी, और जो कि मेरे लिए बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं, और अंजाम तो इतना बुरा हो सकता है कि उसको हम क्या बयां करें। यानी कि इस टॉपिक का थीम क्या हो गया कि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा भी लौटाना है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे अपने कैपिटल बेस में किसी तरीके की कोई तब्दीली नहीं लानी है। ये इस टॉपिक का मेन थीम है कि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा भी लौटाना है और आपके कैपिटल बेस में किसी तरीके की कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। सर ये कैसे हो सकता है? ये तो ऑलमोस्ट ऐसी बात कर दी आपने कि हाथ में चक्कू भी मारना है और चक्कू भी नहीं तोड़ना है। बहुत से बच्चे बोल रहे थे खून भी नहीं निकालना है, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। हां जी, हाथ में चक्कू भी मारना है और खून भी नहीं निकालना है, ये इस टॉपिक का थीम है। सर फिर ये होगा कैसे? अगर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा लौटाएंगे तो कैपिटल बेस तो कम होगा ही होगा। हां बेटे ये तो होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं? जब मैं ये एंट्री करता हूं तो इस एंट्री को करने के बाद मुझे एक एंट्री और करनी होती है, और इस एंट्री को करने का सबब या रीजन क्या है? इस एंट्री को करने का मेन रीजन या सबब यह है कि हम अपने बिगड़े हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे लाएंगे। और बात की बात समझ में आई? जब मैंने ये एंट्री करी तो क्या हो गया, मेरा कैपिटल बेस बेटे कम हो गया, खराब हो गया, ऑल्टर हो गया। और हम और आप अब इस बात से वाकिफ हैं कि कोई भी कंपनी या एंटिटी अपने कैपिटल बेस में ऑल्टरेशंस अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो मुझे अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे कि वी हैव टू रेस्टोर द कैपिटल बेस। रेस्टोर द कैपिटल बेस यानी कि अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाना है। ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम क्या करते हैं? ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए मैं एक बुकिश एंट्री करूंगा। सर ये तो आप ऐसे ऐसे नाम ले रहे हो, हमने पहले सुने ही नहीं। ये बुकिश एंट्री क्या होती है? सर सारी एंट्री तो बुक्स में ही होती है। ना बाबा ना, बुकिश एंट्री से मेरा मतलब वो वाली एंट्रियों से नहीं है जो बुक में करी जाती है। बेटा ये तो क्वाइट ऑब्वियस कि तमाम एंट्री अकाउंट्स की बुक्स में ही होती है। बुकिश एंट्री वो एंट्री होती है बेटा जिसका इफेक्ट एक ही तरफ पड़ता है, या तो एसेट्स की तरफ ही पड़ता है या लायबिलिटी साइड की तरफ ही पड़ता है। कोई भी ऐसी एंट्री, जैसे कि मैंने ये एंट्री करी, इसका इफेक्ट एसेट और लायबिलिटी दोनों में पड़ा, तो ये बुकिश एंट्री नहीं है। बुकिश एंट्री वो एंट्री होती है जिसका इफेक्ट एक ही तरफ पड़ेगा। जैसे कि अब मैं क्या एक बुकिश एंट्री करूंगा, पहले मैं बता रहा हूं फिर बुकिश एंट्री भी बताता हूं। मैंने देखा जब मेरा कैपिटल बेस खराब हो गया, ऑल्टर हो गया, हालांकि वर्ड खराब मैं यूज नहीं करना चाहता, जब मेरा कैपिटल बेस चेंज हो गया
अब मुझे उसको ओरिजिनल लेवल पे लाना है। ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए मैंने आपसे कहा कि मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे यह देखना है कि क्या बैलेंस शीट में मेरे पास कोई फ्री रिजर्व है या नहीं। मैं अभी मैंने कहा बाद में मैं थ्योरेटिकल नोट्स लिखाऊंगा और सारी चीजें आपको बताऊंगा। वैसे फ्री रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सब फ्री रिजर्व्स होते हैं। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि बैलेंस शीट में क्या कोई फ्री रिजर्व है या नहीं, बस। तो बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व है। अब मैं क्या करूंगा, एक बुकिश एंट्री करूंगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2CRR। और ये एंट्री मैं कितने अमाउंट से करूंगा, जितने अमाउंट से मेरा कैपिटल बेस कम हो गया है। मेरा कैपिटल बेस ऑब्वियसली उतने अमाउंट से कम हुआ है जितना अमाउंट मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दिया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट 5,00,000 था। अब बेटे इस एंट्री को जब मैंने करा तो इस एंट्री का इफेक्ट सिर्फ लायबिलिटी साइड में पड़ रहा है। इनफैक्ट शायद आप लोगों को यह मालूम नहीं है कि लायबिलिटी साइड से संबंधित जब हम कोई एंट्री करते हैं, सिर्फ लायबिलिटी साइड से संबंधित जब हम कोई एंट्री करते हैं, बेसिकली वो कोई हकीकत नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो कोई हकीकत है ही नहीं, वो सिर्फ एक बुकिश एंट्री है। बुकिश एंट्री जो मैं लिख रहा था इसका मतलब है वो सिर्फ नाम के लिए एंट्री है। अब नाम के लिए एंट्री से मेरा मतलब क्या है, देखो बेटे यहां पर इस एंट्री का इफेक्ट क्या हुआ। आपने देखा इस एंट्री से क्या कोई मेरा एसेट बड़ा घटा, नहीं हुआ ना ऐसा कुछ। मेन तो मेरे एसेट्स ही होते हैं। बाबा मैं कहना क्या चाहता हूं, पहले मेरी बात को समझो। यहां पर आपने अकाउंट्स में आज तक लायबिलिटी साइड का मीनिंग ठीक तरीके से जाना नहीं है। पहले मैं ये क्लियर कर दूं एक सेकंड के लिए, फिर मैं अभी लौटता हूं। बेटे ध्यान से सुने मेरी बात को, मैंने कहा लायबिलिटी साइड अकाउंट्स में कोई साइड ही नहीं होती है, वो सिर्फ नाम के लिए होती है, वो सिर्फ नॉमिनेशन से। आप जैसे कि मान लेते हैं मैंने 10,00,000 रुपए लोन के लिए आपसे मैंने 10,00,000 रुपए लिए, हरे हरे नोट मेरे पास आए जिसको मैं देख सकता हूं, देख के खुश हो सकता हूं, ये तो बात समझ में आई कि मेरे पास कुछ आया। लेकिन जब मैं लायबिलिटी साइड में ये लोन लिख रहा हूं 10,00,000 रुपए, ये कुछ है थोड़ी, ये कुछ है नहीं। ये लोन तो सिर्फ ये बता रहा है कि ये कैश जो है आया इस लोन की वजह से, लेकिन ये लोन तो कुछ नहीं है ना। इसी तरह मैं लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल लिखता हूं तो शेयर कैपिटल कुछ है थोड़ी, वो तो कोई कुछ भी नहीं है, कोई एसेट नहीं है। लेकिन शेयर कैपिटल के अगेंस्ट जो कैश आया है वो कुछ है, यानी कि लायबिलिटी साइड बेसिकली कुछ होती नहीं है। फिर भी अकाउंट्स में लायबिलिटी साइड की इतनी महत्वता क्यों है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? ध्यान से समझो इस बात को, इस बात को तुम लोगों को मुझे समझाना लाजमी है। सपोज कोई किसी कंपनी की बैलेंस शीट में मैंने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 10,00,000 लिखा है, मान लो एसेट साइड में 10,00,000 है। स्क्रीन पे नहीं आ रही है, चलो मैं इधर की तरफ कर देता हूं। बच्चे कह रहे सर ये स्क्रीन की तरफ पहुंचा नहीं है, लो मैं इधर लिख देता हूं। CRR 10,00,000 रुपए और एसेट साइड में 10,00,000। अब तो आ रहा है बेटे, आ रहा है। हां जी, किसी कंपनी की बैलेंस शीट में बेटा मैंने कहा, अगर मैं आपको कहूं किसी कंपनी की बैलेंस शीट में यह आइटम मैंने दिया हुआ है, तो लायबिलिटी साइड में इससे आप क्या समझ रहे हैं? बेटे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का मतलब क्या है, यह कुछ है नहीं पहले तो, यह बात समझो। और दूसरा पॉइंट आपने क्या समझना है, दूसरा पॉइंट और भी ध्यान से समझे। दूसरा पॉइंट यह है कि लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का मौजूद होना यह शो करता है कि इतने एसेट में से, या जितने भी मेरे एसेट हैं, इस फिगर को छोड़, जितने भी मेरे एसेट हैं, उतने एसेट में से 10,00,000 रुपए तक के एसेट मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन के वक्त शेयर होल्डर का पैसा लौटाने के लिए यूज कर सकता। अभी आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से पूछ रहे थे, बेटे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये जो मैंने लायबिलिटी साइड में लिखा है ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लायबिलिटी साइड में CRR वर्ड लिखने का मतलब क्या है कि मैंने ये 10,00,000 लिखा है तो इसका मतलब है कि ऑपोजिट साइड से 10,00,000 रुपए तक का कैश या एसेट
सिर्फ और सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर अपने शेयर होल्डर का पैसा वापस लौटाने के लिए कर सकते हैं, वो भी लिक्विडेशन के वक्त। यानी कि आपने देखा जब मैंने यहां सीआरआर लिख दिया तो एसेट्स के ऊपर कुछ ब्रेक लग गया, यानी कि कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उसमें से 10 लाख तक के एसेट डायरेक्टर अपनी मन मर्जी से यूज नहीं कर सकते। 10 लाख तक के एसेट्स वो सिर्फ शेयर होल्डर का पैसा वापस लौटाने के लिए कर सकते हैं, दैट्स ऑल। ये लायबिलिटी साइड की इंपॉर्टेंस है। एक मिनट जरा और समझें। सपोज मैं एक एंट्री लिखूं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, चलो मैं लिख दूं सीआरआर अकाउंट डेबिट 5 लाख टू जनरल रिजर्व। अब इस एंट्री के करने से क्या हो गया, जरा ध्यान से देखें। अभी ये बैलेंस शीट की पोजीशन थी, अब मैंने ये एंट्री कर दी सीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इस एंट्री के करने से क्या हुआ, ये मैं एंट्री यहां लिख दूं सीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। जब मैंने ये एंट्री करी तो इस एंट्री के करने से क्या हुआ, जरा ध्यान से देखें। लायबिलिटी साइड में जो मेरे पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 10 लाख रुपए का था वो 5 लाख से घट गया, 5 लाख रह गया, और अब लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व 5 लाख आ गया। जब मैंने ये एंट्री करी तो ये बुकिश एंट्री है। इस एंट्री के करने से क्या हो रहा है कि जो आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 10 लाख था वो घट के 5 लाख हो गया और आपने जनरल रिजर्व में 5 लाख ट्रांसफर कर दिए। अब मैं आपसे पूछूं कि बैलेंस शीट में मौजूद इस आइटम का और इस आइटम का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो कुछ हकीकत नहीं है। अब ध्यान से सुने, बैलेंस शीट में सीआरआर के मौजूद होने का मतलब है कि मैं ऑपोजिट साइड से 5 लाख रुपए तक का कैश केवल और केवल लिक्विडेशन के वक्त प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लौटाने में ही यूज कर सकता हूं। नंबर एक, जनरल रिजर्व में 5 लाख मौजूद होने का अब क्या मतलब हो गया कि मैं ऑपोजिट साइड से 5 लाख रुपए के एसेट्स कहीं पर भी कैसे भी किधर भी यूज कर सकता हूं। लायबिलिटी साइड का आपके आपका मतलब समझ में आया। लायबिलिटी साइड वाली बात ये हम कई बार गौर नहीं करते हैं। तो लायबिलिटी साइड बेसिकली क्या है, लायबिलिटी साइड एसेट साइड के यूजेस का निर्धारण करती है। लायबिलिटी साइड डिसाइड्स द यूटिलाइजेशन ऑफ द एसेट, दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड सिग्निफिकेंट थिंग विच यू शुड नॉट लेट इट स्किप आउट ऑफ योर मेमोरी। लायबिलिटी साइड का मतलब समझ में आ गया बेटे, क्लियर? अब जरा ध्यान से दे, तो लायबिलिटी साइड कुछ होती नहीं है लेकिन लायबिलिटी साइड हमारे एसेट्स के यूजेस को निर्धारित करती है, इसलिए लायबिलिटी साइड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ध्यान से मेरी बात को और सुने। अब क्या हुआ, जब मैं ये बता रहा था कि मैंने ये एंट्री करी तो दो चीजें हो गई, एक तो एसेट कम हो गए लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हुई जिससे मेरा कैपिटल बेस खराब हो गया, ऑल्टर हो गया। अब मेन मुद्दा यह है कि मुझे अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाना है। तो बेटा कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए इस एंट्री को करने के बाद मुझे यह एंट्री करनी पड़ेगी। अब यह एंट्री मैं आपको बता रहा था, मैं क्या करूंगा, मैं अब देखूंगा अपनी बैलेंस शीट में कि क्या कोई रेवेन्यू नेचर का रिजर्व या फ्री रिजर्व है या नहीं। जैसे जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है या रेवेन्यू नेचर का रिजर्व है, तो मैं एक बुकिश एंट्री पास करूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बेटे इस एंट्री के करने से क्या हुआ, आप जरा ध्यान से देखें, इस एंट्री के करने से यह हो गया, लायबिलिटी साइड में पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कुछ भी पैसा नहीं था लेकिन इस एंट्री के करने से सीआरआर 5 लाख से क्रेडिट हो गया, तो यह मैंने रेड पेन से लिखा, इसमें 5 लाख रुपए आ गए और जनरल रिजर्व 5 लाख से कम हो गया, यह 2 लाख रह गया। तुमने देखा कि जब तुमने यह एंट्री पास करी तो सेकेंड एंट्री के करने के बाद अब मैं आपसे पूछूं कि आपके कैपिटल बेस की क्या पोजीशन है तो आप मुझे क्या बताओगे? सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में तो 0 पैसा है, इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख है और सीआरआर में 5 लाख रुपए आ गए। इसका मतलब यह हो गया कि अब मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी और अब मेरा कैपिटल बेस दोबारा से 10 लाख पर आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैंने कहा इस चैप्टर का थीम क्या है कि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा भी लौटाना है, नंबर वन।
नंबर टू, जब हम उनका पैसा एक्चुअल पेमेंट, यानी ये पहली एंट्री का मतलब है एक्चुअल पेमेंट, जब हम उनका पैसा वापस लौटाएंगे एक्चुअली में पे करेंगे, तो उससे दो चीजें हो जाती हैं। एक तो कैश कम हो जाता है, प्रॉब्लम उससे नहीं है, लेकिन लायबिलिटी साइड से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो जाती है। अब लायबिलिटी साइड से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के खत्म होने से हमारे कैपिटल बेस में बदलाव आ जाता है। अब कैपिटल बेस में बदलाव तो आ जाता है, लेकिन वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत डेंजरस थिंग है। इसलिए कंपनी क्या करती है, जल्दी से अपने कैपिटल बेस को दोबारा से ओरिजिनल लेवल पे लाने की कोशिश करती है। अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने फ्री, जिसको कि मैं रेवेन्यू नेचर के रिजर्व भी बोलता हूं, तो हम अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करेंगे और हम एक बुकिश एंट्री पास कर देंगे। जितना भी अमाउंट हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का लौटाया है, उतने के बराबर हम ये एंट्री करेंगे। हम रिजर्व, जिस रिजर्व से हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, तो उतना ही अमाउंट हम CRR यानी कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नाम के अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। सो सिंपल, दिस इज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। पहले मैं ये समझने की कोशिश करूं कि ये जो थीम है आपकी समझ में आया है या नहीं आया। पहले जरा इस चीज को, अभी आपने लिखना नहीं है बेटे, अभी आपने बिल्कुल नहीं लिखना। मैं जरा थोड़ा सा देखना चाहता हूं कि आपकी समझ में ये आया है या नहीं आया। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आप जरा यहां मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। करेक्ट, मान लेते हैं कोई कंपनी है और उसकी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मान लेते हैं 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख की। चलो, कोई कंपनी है, उसकी कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख की है, इक्विटी शेयर कैपिटल मान लेते हैं 4 लाख की है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कोई बैलेंस नहीं है, कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 3 लाख का और जनरल रिजर्व अकाउंट है 1 लाख का। ये लायबिलिटी साइड की पोजीशन बताई मैंने, करेक्ट। एसेट साइड की चिंता मत करो, हम मान लेते हैं एसेट साइड में हमारे पास कैश इनफ है, करेक्ट। बच्चे कह रहे हैं सर लिख दो। चलो, कैश में मैंने एक इमेजिनरी अमाउंट लिख दिया 9 लाख। तुम ये टोटल वोटल के पीछे मत पड़ना, ठीक है, 9 लाख मैंने लिख दिया। अब मान लेते हैं इस दिन कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस लौटाई। अब बेटे मुझे फटाफट बताओ पहली एंट्री क्या करी। सर पहली एंट्री, हां जी, जम्मू पठानकोट, फटाफट बोलते रहे, जम्मू है पठानकोट, श्रीनगर वाले देखे कौन फास्ट करते। हां जी, चंडीगढ़, गुड़गांव, जमशेदपुर, रांची, त्रिवंतापुरम, जितने भी नाम स्क्रीन पे मेरे आ रहे हैं मैं उन नाम को पढ़ पा रहा हूं, शिखर, हिसार, फटाफट बताएं। हापुड़ ने सबसे पहले आंसर दिया। हम आती तो एंट्री सभी को है, लिखने में थोड़ी देर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो बेटे आपकी पहली एंट्री बिल्कुल ठीक है कि जब मैं वापस करूंगा, पहले तो वापस करने की एंट्री करूंगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी लिखना है आपने। बैंक जब मैं लिखूं तो तुम कैश अपने आप ही लगा लेना। हां जी, जब आपने ये एंट्री करी तो बेटे मुझे फटाफट बताओ इस एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ा, जल्दी से बताओ। सर इस एंट्री के करने से एक तो कैश 5 लाख से कम हो गया, वेरी गुड, 5 लाख से कम हो गया। और जल्दी से बताओ दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख से खत्म हो गई, यानी कि ये प्रॉब्लम है, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि जो टर्म है कैपिटल बेस उसका ताल्लुक जो है वो लायबिलिटी साइड से है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। सर बिल्कुल आ गई। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब, दूसरी एंट्री करने से पहले आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दें, मेरे को बताओ इस कंपनी का ओरिजिनल कैपिटल बेस कितना था। बेटे जब मैं ओरिजिनल वर्ड बोलूं तो इसका मतलब है मैं कह रहा हूं कि रिडम्पशन से पहले। सर रिडम्पशन से पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 5 लाख थे, इक्विटी शेयर कैपिटल में 4 लाख थे और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 0 था। इसका मतलब कंपनी का कैपिटल बेस 9 लाख के बराबर था।
अब मुझे बताओ कि आफ्टर फर्स्ट एंट्री कैपिटल बेस क्या हो गया? आफ्टर एंट्री नंबर वन सर कैपिटल बेस जीरो हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, कैपिटल बेस 4 लाख का रह गया। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रॉब्लम को फिक्स अप कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, दैट इज द मेन इश्यू, और जो कि अब तुम्हारे लिए नो इश्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बताओ बेटे फटाफट क्या करेंगे। मैंने क्या कहा, अब मैं अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाऊंगा। मेरा कैपिटल बेस कितने से कम हो गया, 5 लाख से। ऑफ कोर्स ये उतने से ही कम होगा जितनी की रिडेम्पशन आपने करी है। तो 5 लाख रुपए आपको चाहिए। मैं एक मिनट, ये फिगर मैंने थोड़ी सी यहां पर गलत लिख दी, इसको मैं ठीक कर देता हूं। लो जी अब मैंने ठीक कर दी। हाँ अब बताओ बेटे मेरे को फटाफट फटाफट बताओ क्या एंट्री करनी चाहिए, फटाफट बोलो। पहले तो ये बताओ बैलेंस शीट को देख करके इसमें से रेवेन्यू नेचर के कौन से रिजर्व हैं। ये रेवेन्यू नेचर का रिजर्व है, ये भी रेवेन्यू नेचर का रिजर्व है, ये दोनों रेवेन्यू नेचर के रिजर्व हैं। आप अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व लें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख एंड 2 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 5 लाख। तो इस तरह से आपका कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे पहुंच जाएगा। कैसे? इस एंट्री के करने का इफेक्ट क्या हुआ सर? इस एंट्री के करने से जनरल रिजर्व 2 लाख से कम हो गया, बिल्कुल, क्योंकि डेबिट कर दिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 3 लाख से, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी 3 लाख से कम हो गया, दोनों जीरो हो गए। लेकिन इसमें 5 लाख रुपए आ गए सेकेंड एंट्री के करने से। सेकेंड एंट्री के करने से इसमें 5 लाख रुपए आ गए, तो इसका मतलब आफ्टर सेकेंड एंट्री अब आपकी पोजिशन क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, लेकिन CRR में 5 लाख आ गया, तो आपका कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पर आ गया। हां जी बिलासपुर, अभी मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं, नो डाउट अबाउट दैट, अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट आपने नहीं भी पूछ ले तो मेरे को आना तो पड़ेगा ही, उसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। बिलासपुर वालों ने पूछा है सर अगर हमारे रेवेन्यू रिजर्व इतने नहीं होते तब हम क्या करते? ऑफ कोर्स ये हमारे अगला डिस्कशन अभी होगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। यहां तक आपने देखा, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं चैप्टर का थीम क्या है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई, लाइए। अगर ये बात आप अभी लिखना कुछ नहीं है आपने, मैंने अभी आपको कहा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप देखें, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट समझना है। पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। हां जी, अब बिलासपुर वालों ने जो कहा उसका ख्याल तो बेटे मुझे करना ही पड़ेगा। सर बिलासपुर वालों की बात सुन रहे, हमारी नहीं सुन रहे? बेटा सबकी बात सुन रहा हूं, एक मैं जरा अपना पेन चेक कर लूं, मैं देख रहा हूं आज स्क्रीन थोड़ी सी ये प्रॉब्लम क्यों कर रही है बाबा। चलो हां जी, मुझे ये बताओ ये पोजीशन है, अभी आपने कुछ नहीं लिखना बेटा, बच्चे पूछ रहे सर लिखना शुरू कर दे, पहले समझ लो अभी फिर फटाफट करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई है? कोई प्रॉब्लम नहीं। हां जी मान लेते हैं कोई कंपनी है, चलो मैं अब लिख देता हूं एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और इस कंपनी की बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैंने जानबूझ के 5 लाख रुपए ही लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, एक बार फिर से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 0 बैलेंस, जनरल रिजर्व 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख और बैंक बैलेंस कुछ भी मान लो 7 लाख। ये कंपनी की पोजीशन है। अब मान लेते हैं कंपनी ने इस दिन अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस करा, ठीक है। लेकिन आप मुझे पहले एक बात बताओ, ये कंपनी की ओरिजिनल बैलेंस शीट है, इस ओरिजिनल बैलेंस शीट के मुताबिक कंपनी का कैपिटल बेस कितने का है, पहले तो मुझे ये बताओ। हां जी, कैपिटल बेस के कितने हिस्से होते हैं? अभी तो मैंने आपसे कहा कि कैपिटल बेस के 3 पार्ट होते हैं,
एक तो बेटे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, हाँ बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है? 5 लाख की तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख की। इक्विटी शेयर कैपिटल, लो जी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 4 लाख की। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बेटे कितने का है? 1 लाख का। ये कैपिटल बेस है, यानी कि कंपनी का ओरिजिनल कैपिटल बेस 10 लाख रुपए का है, इसमें कोई कमी आफ्टर रिडम्पशन नहीं आनी चाहिए। इनके कंपोनेंट में चेंज आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल 10 लाख का रहना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कंपनी ने 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करी, फटाफट सारे बच्चे मुझे बताएं कि बेटे पहली एंट्री मेरी क्या होगी, एंट्री नंबर 1 क्या होनी चाहिए? जो एंट्री नंबर 1 होगी, अभी आपने लिखना नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हां जी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसको आप वापस करेंगे, वापस आपने करी 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शॉर्ट में लिख देते हैं 5 लाख टू बैंक अकाउंट, हां जी ये आपने एंट्री कर दी 5 लाख से। अब इस एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ा? इस एंट्री का इफेक्ट यह पड़ गया, देखो यहां पर अब मैं जरा अच्छी तरह समझा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। न्यू बैलेंस शीट, हालांकि ऐसा कोई वर्ड नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, हम बाद में देखेंगे, हम बैलेंस शीट इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। कंपनीज एक्ट 2013 में तो अब बैलेंस शीट दूसरे तरीके से बनेगी, अभी हमने सिर्फ समझाना है, यहां ध्यान दें। इस एंट्री के करने से बेटे मुझे यह बताओ कि अब बैंक का जो बैलेंस 7 लाख रुपए का था वो 5 लाख से कम हो गया, तो इसका मतलब उसमें 2 लाख रुपए बच गए, यहां तक ठीक। और लायबिलिटी साइड में आपकी जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख की थी, इस एंट्री के करने से वो तो 0 हो गई। आपकी बात समझ में आई? इसका मतलब ये हट गया और ये 5 लाख से कम हो गया, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, इसका मतलब एंट्री नंबर 1 करने के बाद, ये एंट्री नंबर 1 करने के बाद मेरा कैपिटल बेस क्या नजर आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलो ना बेटे फटाफट 0, इक्विटी शेयर कैपिटल सर 4 लाख, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सर 1 लाख। इसका मतलब अब आपका जो कैपिटल बेस है 10 लाख से घट करके 5 लाख का रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि आपने 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को एक्चुअल पेमेंट कर दी, या हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहेंगे कि हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैज टेकन प्लेस। अब मुझे क्या करना है सर? ओरिजिनल कैपिटल, ओरिजिनल कैपिटल स्ट्रक्चर पर आना है, राइट। ओरिजिनल कैपिटल स्ट्रक्चर पे आने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्या कर रहे हैं बताओ, मैंने पहले दो क्वेश्चन में क्या करा? हमने पहले दो क्वेश्चन में यह देखने की कोशिश करी, पहले तो मुझे बताओ सेकेंड एंट्री का मतलब क्या है? सेकेंड एंट्री का मतलब है रेस्टोरेशन ऑफ, मैं लिख दो एक बार, रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस। सेकेंड एंट्री का मतलब है कि आप अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर कर रहे हैं, ओरिजिनल लेवल पे ला रहे हैं। रेस्टोरेशन का मतलब है बेटे ओरिजिनल लेवल पे लाना। ये स्क्रीन यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है क्या इसको? एक सेकंड के लिए मैं जरा कैमरे की पोजीशन को थोड़ा ठीक करके आऊं।
हाँ बड़े सॉरी फॉर द बॉदरेशन लिटिल बिट ऑफ, तो थोड़ा सा मुझे ठीक करना पड़ गया एक्चुअली। ये रेस्टोरेशन अभी भी स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, रेस्टोरेशन मैंने यहां लिख दिया, रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस। बड़े रेस्टोरेशन का मतलब ओरिजिनल लेवल पे आना। अब ध्यान दें, सेकेंड एंट्री जब हम करते हैं, जो पहले दो छोटे छोटे एग्जाम्पल में भी मैंने करी, हमने एंट्री लिखी रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए हम बेसिकली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रहे थे, हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितने की हम रिडीम करते हैं उतने से कैपिटल बेस कम होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जितने से कैपिटल बेस कम होता है हम क्या करते हैं, उतना ही अमाउंट अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से निकाल करके, रेवेन्यू रिजर्व से निकाल करके सीआरआर में ट्रांसफर कर देते हैं। करेक्ट, अपने रेवेन्यू रिजर्व से अमाउंट निकाल करके सीआरआर में ट्रांसफर कर देते हैं। यही तो हम कर रहे थे। हम अभी तक हमने पहले दोनों एग्जाम्पल्स में बेसिकली यही बात करी, इज इट इट ऑर नॉट। तो इसमें भी हम यही करते हैं, मैंने पहली एंट्री ये लिखी, अब दूसरी एंट्री मैं यही कर रहा हूं। अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरे रेवेन्यू नेचर के रिजर्व मेरी ओरिजिनल बैलेंस शीट में कौन कौन से हैं। जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। एक तो जनरल रिजर्व है 3 लाख का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1 लाख का, टोटल 4 लाख का है। तो मैंने एक एंट्री करी रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सी आर आर अकाउंट। रेवेन्यू रिजर्व कौन से हैं, जनरल रिजर्व, चलो मैं अलग अलग ही लिख देता हूं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है इस एंट्री को करने के बाद, जरा यह भी चेक करें। आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख से कम हो गया क्योंकि यह डेबिट हो गया। जनरल रिजर्व 3 लाख से कम हो गया, इसका मतलब न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व तो आएगा 0, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा 0 क्योंकि ये दोनों तो 0 हो गए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, करेक्ट। लेकिन जब मैंने ये एंट्री करी तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख से बढ़ गया। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पहले 1 लाख रुपए थे, ये मैंने यहां 1 लाख रुपीज लिखा हुआ है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पहले 1 लाख रुपए थे, अब इस एंट्री के करने से कैपिटल रिजर्व 5 लाख का हो गया। यानी कि जब मैंने ये एंट्री करी, तो इस एंट्री के बाद, एंट्री नंबर 2 के बाद मुझे बताओ मेरा कैपिटल बेस कितने का आ गया। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, इसमें अब 5 लाख आ गए। सर ये तो 9 लाख ही आ रहा है, अब की बार तो हमारा कैपिटल बेस रेस्टोर हुआ ही नहीं, कैपिटल बेस तो 10 लाख का था। राइट, अब की बार मेरा कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि मेरे पास जो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व हैं वो उतने नहीं है जितना अमाउंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हमने रिडीम करा है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, बिलासपुर वाले भी बोल रहे थे, बाद में पालमपुर वालों ने भी बोला, और हल्द्वानी से किसी ने मैसेज करा और ठीक करा, इनफैक्ट उन्होंने वो वाले क्वेश्चन का आंसर दिया जो मैं पूछ रहा था। तो अब की बार हमारे रिजर्व सफिशियंट नहीं है, तो कभी कभी हम देखेंगे, इनफैक्ट पहले जो दो हमने केसेस देखे उसमें हमने देखा कि हमारे पास रिजर्व सफिशिएंट थे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन अब की बार मेरे पास रिजर्व सफिशिएंट नहीं है। तो बेटे जब रिजर्व सफिशिएंट नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं
ये करूंगा, मैं एक फ्रेश इश्यू करूंगा, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर करूंगा, और ये उतने के बराबर करूंगा जितना अमाउंट मेरा कम पड़ रहा है। यानी कि पूरा नतीजा क्या निकला अभी तक जो हमने डिस्कशन करा, वन, जब भी कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करेगी तो एक तो हमारा एसेट साइड से कैश कम हो जाता है, लायबिलिटी साइड से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाइप आउट हो जाती है, जिसकी वजह से मेरा कैपिटल बेस ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। और कोई भी एंटिटी अपने कैपिटल बेस में किसी भी तरीके के बदलाव को अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए हम बिगड़े हुए या ऑल्टर हुए कैपिटल बेस को रेस्टोर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ओरिजिनल लेवल पे आने की कोशिश करते हैं। कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं। अगर रेवेन्यू रिजर्व सफिशियंट हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रेवेन्यू रिजर्व जितना चाहिए उतने के मुकाबले कम है, जैसे 5 लाख चाहिए और 4 लाख ही है, यानी कि जब रेवेन्यू रिजर्व सफिशियंट ना हो तो तब हम क्या करते हैं, पहले तो रेवेन्यू रिजर्व इस्तेमाल करेंगे और जितने की कमी पड़ जाएगी उसके लिए हम एक फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे। अब फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, ध्यान दें, मुझे अब की बार एक एंट्री और करनी पड़ जाएगी और वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए का मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करना पड़ गया। इस एंट्री के करने से दो चीजें क्या हो रही हैं, एक तो मेरा कैश का बैलेंस 1 लाख से बढ़ रहा है, हालांकि उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है। क्रेडिट होने का मतलब बढ़ना, लायबिलिटी साइड का कोई भी आइटम क्रेडिट होता है तो इसका मतलब वो बढ़ रहा है। यानी कि अब इक्विटी शेयर कैपिटल जो पहले 4 लाख की थी अब वो 1 लाख से बढ़ जाएगी, यानी कि न्यू बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल जो है अब वो 4 लाख की बजाय 5 लाख रुपए की आएगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब बेटे इस एंट्री के करने के बाद क्या हुआ, इस एंट्री के करने के बाद क्या हुआ, अब जरा ध्यान दें, जब आपने ये काम करा, तीसरी एंट्री करी, तो पोजीशन क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0, इक्विटी शेयर कैपिटल नाउ हैज बिकम 5 लाख, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 5 लाख, तो ये हो गया 10 लाख, यानी कि आप अपने ओरिजिनल मुकाम पर आ गए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये बात बेटे समझ में आई या नहीं आई, पक्का सोच लो, किसी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है? पक्का नहीं है, मैं ये मान के चलूं? चलो, अगर आप लोग कहते हैं तो हमें तो फिर ये बात माननी ही पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपने ये बात कही तो हमें ये बात माननी ही पड़ेगी। तो बेटे हम देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है उसमें हमें किन किन चीजों को फेस करना पड़ेगा। तो क्विक फायर मैंने रिकैप करा इस छोटे से सेशन में, अभी तक हमने जो चीजों की चर्चा करी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पर चर्चा करी है। हम थ्योरेटिकल नोट भी लिखेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, और जो लोग जानते ही हैं उनको मालूम ही है कि हम थ्योरी पे भी उतना ही स्ट्रेस करते हैं जितना प्रैक्टिकल पे। तो थ्योरेटिकल नोट्स अभी लिखाए जाएंगे लेकिन उसकी चर्चा अब नेक्स्ट सेशन में होगी, अभी इस सेशन में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करा है। लेकिन कॉन्सेप्ट हमने अब क्या देखा, पहले तो मेजर पॉइंट यह है कि कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 55 डील करता है जहां तक अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का सवाल है, नंबर एक। नंबर दो, हमने ये देखा कि जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस लौटाएगी तो उसके दो मेजर इफेक्ट होते हैं, एक तो एसेट साइड से कैश कम हो जाता है, हालांकि वो कोई प्रॉब्लमेटिक फैक्टर नहीं है, लायबिलिटी साइड से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो जाती है जिससे कैपिटल बेस में बदलाव आ जाता है। नंबर तीन, ये जरूरी हो जाता है कि कैपिटल बेस को हम अपने ओरिजिनल लेवल पे लाएं। नंबर चार, कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए नंबर एक तो हम अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमने पहले दो केसेस में करा, लेकिन अगर रेवेन्यू रिजर्व कम है या उतने नहीं है जितना हमें चाहिए तो तब हम क्या करते हैं, कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, और जितनी की कमी है
उतने के बराबर हम फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस तरीके से हम अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर कर पाएंगे और यही इस पर्टिकुलर चैप्टर का थीम भी है. अब आने वाले केस में, आने वाले क्लास में हमने क्या क्या चीजें नोट करनी है इसकी चर्चा हम करेंगे. ये शॉर्ट ब्रेक मैं ले रहा हूं और कुछ देर के बाद अभी मैं क्लास फिर से रीस्टार्ट करूंगा. इट्स अ शॉर्ट ब्रेक, तो आई एम स्टॉपिंग इट ओवर हियर.